मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल YG Prep-Up में। तो हम सब 1000 क्वेश्चन सीरीज के लिए जुड़े हैं, जिसमें कि हम तीनों सेक्शन को कवर करेंगे, SSC MTS, CHSL और CGL, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं और बहुत सारा क्वेश्चन सीरीज हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन सीरीज है जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, जो पहले SSC के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के पहले सवाल को हम देखेंगे। हमारा पहला सवाल है, ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म द मोस्ट एडेप्टेबल एंड वर्सेटाइल आर, जो ऑप्शंस में दिया गया आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपका सवाल उस कॉर्नर में दिख जाएगा और दिख भी रहा होगा। ठीक है, सवाल है आपका, ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म द मोस्ट एडेप्टेबल एंड वर्सेटाइल आर, जो सबसे ज्यादा एडेप्टेबल होता है, कहीं भी अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी एल्गी, ऑप्शन डी फंजाई। तुम्हारा आंसर क्या होगा? वायरस। और वायरस का ऐसे ही बोलवा का भी सुन रहे होंगे, कोरोना वायरस का कहीं भी फैल रहा है। कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है। किस रीजन से? इसी रीजन से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वायरस कंटेन्स, वायरस जो है क्या कंटेन करता है, क्या रखता है? ऑप्शन ए प्रोटीन एंड लिपिड, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो क्या रखते हैं अपने साथ? हुआ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ये मेरा एंड लिखने का तरीका है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंजाई इन वाटर टैंकेज, वाटर टैंक में जो फंजाई कभी कभी लग जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने क्या तरीका है, या कौन सा केमिकल उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन सी जिंक सल्फेट, ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड। तो कौन सा सल्फेट यूज होगा? कॉपर सल्फेट, ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। और कहां यूज होता है? पानी के टंकी में यूज होता है। किसको हटाने के लिए? फंजाई को हटाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इन सारे ऑप्शंस में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने में मदद करता है या फिर उसके ट्रीटमेंट में मदद करता है? ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी एस्पिरिन, ऑप्शन सी पैरासिटामोल, ऑप्शन डी डिटॉल। तो पेनिसिलिन, ऑप्शन ए पेनिसिलिन मदद करता है ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट सवाल, ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, ट्यूबरक्लोसिस सिंपली टीवी भी हम बोल सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को टीवी बोला जाता है, इज ट्रांसमिटेड थ्रू, कैसे फैलता है? ऑप्शन ए ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड के कॉन्टेक्ट होने की वजह से, ऑप्शन सी कंटेमिनेटेड वाटर, मतलब वो पानी जो पिया आप दूसरा पानी पी लिए वही उसका जूठा, तो उससे, तीसरा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो टीवी सिर्फ फैलता है ड्रॉपलेट की वजह से, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज क्या है? ऑप्शन ए वर्म, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी वायरस। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? पोलियो। तो पोलियो जो है एक वायरस है। क्या है पोलियो? एक वायरस है। पोलियो उन बीमारी से आता है जिसका एक जो होता है रफ सरफेस वो बीमारी फैलाता है और स्मूथ सरफेस उसका इलाज करता है। इन बीमारी में ये आता है और किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एड्स वायरस है, एड्स वायरस के पास क्या है इन सारे ऑप्शंस में से? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, दूसरा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तीसरा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, चौथा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो क्या उसके पास? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, ऑप्शन है हमारा, वर्ड ये डबल में कैसे चेंज होता है? तो आरई के वजह से, रिवर्स एंजाइम। ठीक है,
एक इंजाइम है इसके पास जिसके मदद से रिवर्स हो जाता है और उसको डबल कर लेता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फास्टर। इन सारे ऑप्शंस में से या ग्रुप में से कौन सा ऐसा है जो रिप्रोडक्शन फास्टर करता है? ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो सी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट सवाल हमारा, रेबीज इज है, रेबीज जो है वो क्या है? हेलमेंटिक डिजीज, ऑप्शन बी वायरल डिजीज, ऑप्शन सी बैक्टीरियल डिजीज, ऑप्शन डी प्रोटोजोअन डिजीज। तो रेबीज जो है वो वायरल डिजीज है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, डेंगू इज स्प्रेड बाय, डेंगू फैलता कैसे है? ऑप्शन ए हाउस फ्लाई, ऑप्शन बी फ्रूट फ्लाई, ऑप्शन सी मॉस्क्यूटो, ऑप्शन डी बटरफ्लाई। तो सभी को इसका आंसर पता है कि डेंगू जो है, मलेरिया जो है, वो किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है, मॉस्क्यूटो। आज का हमारा आखिरी सवाल है, द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय वायरस इज, कौन सा बीमारी है जो कि वायरस से फैलता है? ऑप्शन ए टाइफॉइड, ऑप्शन बी कोलरा, ऑप्शन सी कॉमन कोल्ड, ऑप्शन डी मलेरिया। तो इन सारे में से ऑप्शन सी जो है हमारा कॉमन कोल्ड, ये जो है वायरस से फैलता है और सबसे ज्यादा फैलने वाला बीमारी वायरस का यही है, और इसी का लक्षण हमें कोरोना वायरस में भी दिखता है, COVID-19। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद। I'm gonna go to the next one.